हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि सब अपने घर में सकुशल होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल जो था आपका ए बराबर था क्यू बी वी साइन थीटा। तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका सदिश रूप में, है ना। तो सदिश रूप में कैसे पढ़ते हैं? आपका दिया एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा है। इससे पहले आपको जानना है कि ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है और इसका साथ साथ क्या होता है? एन कैप होता है। एन कैप क्या होता है? एन कैप एकांक सदिश है। तो हम लोग को ये देखना कि ए क्रॉस बी बराबर हमको मिलता है ए बी साइन थीटा। उसी प्रकार अगर आपको लिखा जाए कि बी बी साइन थीटा जो आपके पास दिया है तो बी बी साइन थीटा के बदले में आपको क्या मिल सकता है? मिल सकता है क्या? बी क्रॉस आपको मिल सकता है, बी मिल सकता है। यानी कि इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं कैसे कि एफ बराबर लिख सकते हैं क्यू और लिख सकते हैं बी क्रॉस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर यहां पर भी वेक्टर दिखाए तो यहां पर भी यहां पर क्या लिखना? वेक्टर लिखना। यानी कि यहां पर परिमाण के साथ साथ क्या है? दिशा भी है। यहां पर सदिश रूप में दिखाए। अब क्या दिखाना है कि चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी? समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर कोई गतिशील आवेशित कण और जो चुंबकीय बल जो लगेगा तो कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी? जैसे आपको पता है कि ए क्रॉस बी इसकी दिशा किधर है, तो ए तथा बी द्वारा बनाए गए तल के लंबवत, तो बी क्रॉस बी क्या होगा? उसी प्रकार बी तथा बी द्वारा बनाए गए तल के लंबवत यहां लिख सकते हैं। अर्थात इसकी दिशा, इसकी दिशा अर्थात कण पर लगने वाले, कण पर लगने वाले बल की दिशा, कण पर लगने वाले बल की दिशा भी तथा बी द्वारा, भी तथा बी द्वारा बनाई गई तल के लंबवत होती है, लंबवत लंबवत होती है, लंबवत होती है। ये होगी। इसका फिर हम लोग पढ़ेंगे विशेष स्थिति, यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेशित कण गति करेगा, है ना। तो ठीक है, तो मान लीजिए पर लिखते हैं विशेष स्थितियां में। मान लीजिए आपके पास एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया, ये हो गया। मान लीजिए आवेशित कण आपका इधर जा रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो यहां पर थीटा कितना डिग्री बनेगा? जीरो डिग्री। मान लीजिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, आपका आवेशित कण ऐसे जा रहा है ना, यहां पर क्यू है, यानी क्यू का कण का वेग क्या होगा? भी होगा। इसका वेग ऐसा है, यहां पर थीटा कितना डिग्री बनेगा आपका? 180। केस वन हम लिख सकते हैं जब थीटा बराबर क्या हो? जीरो डिग्री तथा 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं केस वन में जब थीटा बराबर क्या हो? जीरो डिग्री या 180 डिग्री। तो पहले थीटा बराबर किसके लिए? जीरो डिग्री। एफ बराबर क्यू भी बी और साइन जीरो, एफ बराबर क्या हो? जीरो हो जाएगा। फिर थीटा बराबर लीजिए 180, एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी बी और साइन क्या लिखना है? 180 डिग्री। आपको पता है साइन 180 डिग्री वाली जीरो होता है, यहां पर भी बल क्या लाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर जीरो डिग्री 180 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करते हैं तो कण पर कोई बल नहीं लगते हैं, यानी कण पर लगने वाले तो चुंबकीय बल जो है ना तुम्हारा क्या आ रहा है? सुई आ रहा है। हम लोग केस वन देख लिए,
केस टू में हम लोग देखेंगे जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 आने का लंबवत। लंबवत कैसे हो सकता है, मान लीजिए इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये हो गया आपका गतिपथ, आवेशित कण की गतिपथ की दिशा, यानी कण का वेग इधर पर हो, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री बन रहा है आपका, बन रहा आपका 90 डिग्री। तो बल क्या लगेगा यहाँ बराबर क्या होगा, क्यू वी बी और साइन कितना डिग्री तो 90, यानी यहाँ बराबर क्या हो जाएगा क्यू वी बी। केस थ्री भी है, केस थ्री क्या है, यदि कण विराम अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में, यदि कण विराम अवस्था में हो तो क्या हो जाएगा, कण का वेग तब क्या हो जाएगा जीरो, बराबर लिखना क्यू वी बी साइन थीटा क्यू जीरो वी बी, पर क्या लेना साइन थीटा भी नहीं हो, क्यू मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई बी, बल क्या होगा जीरो। ये हो गया आपका केस वन केस टू और केस थ्री, यहाँ पर आपको ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपका कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप वीडियो में नए नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना, ताकि मेरा वीडियो को हम जैसे जैसे वीडियो छोड़ेंगे आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।